सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने एसेंट टू रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे एस्पेक्ट्स अपन ने देख लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंट वन रिएक्शन की। किसकी? एसेंट वन रिएक्शन। अब एसेंट वन रिएक्शन को अपन ने पहले पढ़ लिया था कि इसको रीड कैसे किया जाता है। इसको कैसे रीड किया जाता है? वन स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर, वन स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर यूनिमोलिक्यूलर एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एंड एस स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन। तो इसको रीड कैसे किया जाता है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वहाँ पे क्या था, देखो मैं थोड़ा सा कंपेरिजन बताया तो साथ साथ में। वहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन था तो यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन होगा। कितना स्टेप रिएक्शन होगा? टू स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़, टू स्टेप रिएक्शन होगा तो यहीं से अपन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं समझना। पहले तुमको एक मैं जनरल रिएक्शन बताता हूँ, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे। तो नॉर्मल सा एग्जांपल क्या आता है इसका, कि अगर मैं लेता हूँ सी एच थ्री, यहाँ पे भी लेता हूँ मैं CH3, ओके, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ क्लोरीन, बराबर। अभी इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ NaOH के साथ। किसके साथ करवाता हूँ? NaOH के साथ करवाता हूँ। तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में यूज़ कर लेता हूँ, सपोज कर लो वाटर यूज़ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्वियस फॉर्म में वाटर यूज़ कर लेता हूँ, या इसके जगह मैं चाहूँ तो मिथेनॉल भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ कर सकता हूँ? मिथेनॉल भी यूज़ कर सकता हूँ, CH3OH भी यूज़ कर सकता हूँ। बट एक काम करो, इतना CH3OH से बेटर है वाटर ही ले लो, समझने के लिए सिंपल जाता है। H2O ले लो, समझने के लिए सिंपल जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है CH3C CH3, यहाँ पे भी आता है CH3, एंड यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा OH प्लस NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट, प्लस NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये है एकदम नॉर्मल सा रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन का मैकेनिज्म तुमको समझना जरूरी है। तुम लोग बोलोगे सर ये टू स्टेप रिएक्शन कैसे हुआ है, तो एक ही स्टेप में हो रहा है। इसका जो मैकेनिज्म है वो टू स्टेप का है और वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अपन ओवरऑल स्टेप काउंट नहीं करते, अपन रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे काउंट करते हैं टू स्टेप रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा ध्यान से समझना, इसका भी मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो यहाँ पे तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका ऑटो आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑटो आयोनाइजेशन, ये खुद ब खुद ब्रेक होने की कोशिश करता है। कैसे ब्रेक होगा? CH3 CH3, एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3, एंड इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस यहाँ से बाहर को निकलेगा लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा Cl माइनस। अब यहाँ से यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप को ही इसका बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें यही होता है स्लो स्टेप, यही होता है स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इसलिए इसको RDS भी कहा जाता है। एज वेल एज ये ऑटो आयोनाइजेशन होता है। ऑटो आयोनाइजेशन मतलब खुद ब खुद कार्बन क्लोरीन के बीच में चार्ज सेपरेशन होगा और ये कार्बो कटायन बनेगा और ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो तुम्हारी स्पीशीज बनी ये क्या बना? कार्बो कटायन। ये किसका काम करेगा? इट इज़ अ इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन, इट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। अब ये चीज़ याद रखना, ये क्या बना है? इंटरमीडिएट बना है कार्बो कटायन, ठीक है। तो जब अपन एसएन टू रिएक्शन पढ़ रहे थे तो तुमको पता होगा एसएन टू रिएक्शन में एक भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, जबकि एसएन वन रिएक्शन में एक कार्बो कटायन इंटरमीडिएट बना, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है एसएन टू और एसएन वन के बीच का। उसके बाद में जो कार्बो कटायन बनता है, कार्बो कटायन की ज्योमेट्री क्या होती है? ये कार्बो कटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, कार्बो कटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है? वो होती है प्लेनार। इसकी जो ज्योमेट्री होती है कैसी होती है? प्लेनार। प्लेनार का मतलब क्या है? जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि ये जो कार्बन है ये सपोज करो व्हाइट बोर्ड पे है, तो जो बोर्ड पे कार्बन है वही बोर्ड पे ये CH3 भी रहेगा, ये CH3 भी रहेगा, ये CH3 भी रहेगा, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी कैसी रहेगी? प्लेनार होगी। अभी मैं बोल दूं कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है पूरे के पूरे बोर्ड पे है, मतलब बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं है, बोर्ड के नीचे भी कुछ नहीं है। जैसे कि समझ लो कि ये जो डस्टर है, दिस इज वन प्लेन, ये ऊपर का प्लेन है, दिस इज वन प्लेन, यही प्लेन में है, यहाँ पे बीच में कार्बन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे है CH3, ठीक है। तो ये बोर्ड के ऊपर भी, सॉरी, ये डस्टर के ऊपर भी कुछ नहीं है और डस्टर के नीचे बैक साइड में भी कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक ही प्लेन में पूरा मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेनर ज्योमेट्री। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? जब तुम्हारा कोई भी कार्बो कटायन प्लेनर होता है
तो जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो एनयू माइनस है न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पे कौन आने वाला है, ओ एच माइनस आने वाला है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, मतलब फ्रंट अटैक भी कर सकता है, एज वेल एज पीछे से भी अटैक कर सकता है, मतलब बैक अटैक भी कर सकता है। क्यों दोनों अटैक कर सकता है? क्योंकि जब तुम लोग देखोगे तो ना ही तो इसको फ्रंट अटैक में कोई प्रॉब्लम है, ना ही तो इसको बैक अटैक में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस इसको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ना ही तो बैक साइड से, ना ही तो फ्रंट साइड से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जब सेकेंड स्टेप में अटैक होता है, जब सेकेंड स्टेप में ओ एच माइनस का अटैक होता है, ध्यान से सुनना, जब सेकेंड स्टेप में ओ एच माइनस का अटैक होता है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। जब सेकेंड स्टेप में ओ एच माइनस का अटैक होता है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सपोज कर ले फ्रंट साइड से ही अटैक करे, कहाँ से अटैक करे, फ्रंट साइड, मतलब जो साइड से क्लोरीन था वही साइड से आके ओ एच माइनस अटैक करे, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड यहाँ पे आ जाएगा ओ एच। बट अगर ये बैक साइड से अटैक करता है, जैसे एस एन टू रिएक्शन में करता फ्रॉम बैक साइड, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी एच थ्री, ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट तो दोनों एक ही बन रहा है, आईयूपीएसी नाम दोनों का सेम ही आएगा, बट मेन डिफरेंस क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर्स है। कैसा है, ये दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर्स है। अभी फिलहाल ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, फिलहाल ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, तो अपन उसको एग्जैक्टली इनांशियोमर्स नहीं बोल सकते। इनांशियोमर्स कब बोलेंगे, जब मिरर इमेज एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है इनांशियोमर्स बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन करंट कंडीशन बस इतना से याद रखो कि ये जो कार्बन आइटम है, अगर ये कायरल होगा, अगर ये कार्बन आइटम कायरल होगा तो तुम्हारा वो इनांशियोमर वाला चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बट मेन चीज ये है यहाँ पे कि ये बन रहा है तुम्हारा रिटेंशन कन्फिग्रेशन, ये कैसा बन रहा है, रिटेंशन बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, इन्वर्जन बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, दिस इज द इन्वर्जन, इसको बोलते हैं रिटेंशन कन्फिग्रेशन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कन्फिग्रेशन। मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, 50% रिटेंशन बन रहा है एंड 50% इन्वर्जन बन रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जहाँ रिटेंशन भी मिल रहा हो और इन्वर्जन भी मिल रहा हो, तो इसको बोलते हैं अपन रेसिमिक मिक्सचर। इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। रेसिमिक का मतलब होता है दोनों का प्लस, मतलब इसमें रिटेंशन भी रहेगा, इसमें इन्वर्जन भी रहेगा, दोनों ही इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो ये प्रोडक्ट को बोलेंगे अपन रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे नॉर्मली तो अपन बोलते हैं कि यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे 100% रेसिमाइजेशन होता है, 100% का मतलब 50% रिटेंशन मिलेगा प्रोडक्ट एंड 50% इन्वर्जन मिलेगा प्रोडक्ट। ये जो चीज़ होती है तुमको पढ़ाई जाती है बोर्ड लेवल पे, तुम्हारे कॉलेज लेवल पे, ठीक है। बट ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ करेक्ट है कि रिटेंशन भी मिलता है इन्वर्जन भी मिलता है, बट ये भी 50% मिलता है एंड ये भी 50% मिलता है। इसका थोड़ा सा तुम्हारा लॉजिक का प्रॉब्लम है यहाँ पे, रुको मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्ट चीज़ क्या है, एग्जैक्ट चीज़ ऐसी है कि देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तुमको बता तो दिया कि ये सबसे सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ओ एच माइनस, ये ओ एच माइनस क्या वेट करेगा, क्या ये जरा भी वेट करेगा कि ये पहले कार्बोकैटायन बने, मतलब जब तक कार्बोकैटायन नहीं बनता तब तक तो ऐसे बैठा रहेगा एक साइड में कि जैसे कार्बोकैटायन बनेगा उसके बाद में अटैक करूंगा, नहीं, जब तक तुम्हारा कार्बोकैटायन नहीं बनता है तब तक वो अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन वो बैक साइड से, यहाँ से, यहाँ से, बैक साइड से, 3D स्ट्रक्चर में बैक साइड से अटैक करना चालू करेगा और प्रोडक्ट बनाना चालू करेगा। माना, ये चीज मानी कि बहुत कम बनेगा प्रोडक्ट। क्यों कम बनेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो है, क्योंकि टर्शियरी अल्कलाइड है, तो SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए या तो 1 डिग्री होनी चाहिए, तो सबसे फास्ट होता है, बट ये तो 3 डिग्री है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी स्लो है, माना, एक्सेप्ट किया है इसकी रिएक्टिविटी स्लो है। दूसरी चीज ये भी माना कि यहाँ पे तुम जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो पोलार प्रोटिक है, प्रोटिक होने की वजह से ये चीज को फेवर नहीं करेगा, ये भी माना, लेकिन कुछ अमाउंट में तो बनेगा, 0.1%, 0.2%, 1%, 2%, कुछ अमाउंट में तो रिएक्शन बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जितना तुमको फाइनल प्रोडक्ट में रिटेंशन मिलता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मोर अमाउंट में, एकदम थोड़ा सा ज्यादा तुमको इन्वर्जन मिलेगा। तो ये तुम्हारे जब तुम नीट या तो जेई के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है नीट में, ईयर मुझे याद नहीं है, बट नीट में एक बार चेक कर लेना, एक क्वेश्चन आ चुका है कि SN1 रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें कौन सा ज्यादा होता है, रिटेंशन ज्यादा होता है कि इन्वर्जन ज्यादा होता है, और बहुत सारे बच्चे टिक करके आ गए रेसिमिक मिक्सचर, कि
कि ये भी 50% होता है, ये भी 50% होता है। अरे नहीं, 50-50% नहीं होता है, इन्वर्जन थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। और ये क्यों ज़्यादा होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी वर्क करती है। माना बहुत कम प्रोडक्ट देगा, उससे रिएक्टिविटी बहुत स्लो है, बट कुछ तो देगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे तुमको ये समझ में आ गया कि ये दो स्टेप का रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्यों इसको रेट डिटरमिनिंग बोलते हैं, क्योंकि सबसे स्लो स्टेप है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो तुम्हारा स्लोवेस्ट स्टेप है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल थे? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल था, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल था, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल था कार्बोकैटायन बनने के लिए? क्या ये स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल था कार्बोकैटायन बनने के लिए? नहीं था, न्यूक्लियोफाइल जरा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। मतलब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल पर तुम्हारा रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे उसके बाद जो सेकेंड स्टेप बना वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको बता देता हूँ कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने तुमको बोला कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, प्रोटिक, बट उसके पहले अपन रेट का थोड़ा लिख लेते हैं। टू स्टेप रिएक्शन हुआ, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इसका जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस। जो पहला स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। तो इसका जो रेट होता है वो कैसा होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो CH3 कितनी बार आएगा? 3 times Cl। ओके, और यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, इसके लिए दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बो कटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या बना? इंटरमीडिएट में बना कार्बो कटायन, कार्बो कटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर इंटरमीडिएट में कार्बो कटायन बना है तो क्या अगर कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी तो होगी ये स्टेप में? क्या होगी अगर कार्बो कटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और उसकी स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होती रहेगी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि ये है CH3, यह है CH2, यह है CH2+। अगर ऐसा तुम्हारा कोई बना कार्बो कटायन, तो अभी जो कार्बो कटायन बना है इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। यहाँ का एक यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसे, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा प्लस। तो कार्बो कटायन का रीअरेंजमेंट होगा SN1 रिएक्शन में, जो कि तुम लोग को SN2 रिएक्शन में देखने नहीं मिलता। कोई भी टाइप का रीअरेंजमेंट SN2 रिएक्शन में देखने नहीं मिलता, बट SN1 रिएक्शन में, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बो कटायन बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसके यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी तुमको देखने मिलता है। मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है एज वेल एज हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। जैसा एग्जाम्पल दिया होगा उसके हिसाब से रीअरेंजमेंट होगा, या कभी कभार नहीं भी हो सकता। कभी कभार हो सकता है ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में मिल रहा हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा ये तुम्हारा एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगा। अगर एग्जाम्पल डिमांड है कि और रीअरेंजमेंट करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाई जा सकती है, तो रीअरेंजमेंट डेफिनेटली होगा, जो कि SN2 रिएक्शन में कभी नहीं होता है। SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो याद रखना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है तुम्हारा सॉल्वेंट। कौन सा फैक्टर? सॉल्वेंट। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट जो तुम्हारा बना है, मतलब जो तुम्हारा रेट है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटायन? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटायन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कार्बो कटायन बनेगा, उतनी जल्दी ही तुम्हारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि टर्शियरी अल्कलाइड, सेकेंडरी अल्कलाइड एंड प्राइमरी अल्कलाइड, इन तीनों में जो तुम्हारा कार्बो कटायन बनेगा कौन सा बनेगा? अगर तुम लोग टर्शियरी अल्काइड रहते हो तो कार्बो कटायन कैसा बनेगा? 3 डिग्री कार्बो कटायन बनेगा। अगर सेकेंडरी लेते हो तो 2 डिग्री कार्बो कटायन बनेगा। प्राइमरी लेते हो तो 1 डिग्री कार्बो कटायन बनेगा। 0 डिग्री लेते हो तो 0 डिग्री कार्बो कटायन बनेगा। तो इन सब में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? डेफिनेटली टर्शियरी कार्बो कटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एंड सबसे लास्ट में 0 डिग्री। इसके लिए जो तुम्हारे अल्काइल का ऑर्डर होता है, वो कहा गया है कि टर्शियरी अल्काइल्स आर मोर प्रीफर्ड फॉर द SN1 रिएक्शन, क्योंकि उनका जो कार्बो कटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू 0 डिग्री। तो अगर रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसी ने पूछा विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स, तो ये आएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, उसके बाद में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, उसके बाद में आएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड,
उसके बाद में आएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे लास्ट में आएगा 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर ओनली एंड ओनली SN1 रिएक्शन। ये चीज याद रखना, क्लियर है? ओके अब देखो, अब जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बोल रहा था कि इसका सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का क्या काम है यहाँ पे, पोलर प्रोटिक क्यों चाहिए, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही अपने को क्यों चाहिए, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से क्या बेनिफिट होता है अपने को, ये अपने को समझना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब पोलर प्रोटिक का मतलब क्या कि वो पोलर भी होना चाहिए एज वेल एज एच प्लस को डोनेट भी करे, जैसे कि वाटर। अब ये जो एच ओ एच है वाटर, तो वाटर में तुमको पता है ये पोलर है, प्लस और माइनस में सेपरेट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये एच प्लस भी डोनेट कर सकता है। अब होता क्या है ना, जैसे तुम्हारे लिविंग ग्रुप से सी एल माइनस सपोज करो बाहर निकला, सी एल माइनस बाहर निकला, रुको इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो तुम्हारा बना कार्बोकटायन बना, ये बना सी एच थ्री, कितने टाइम आ रहा है सी एच थ्री, 3 टाइम्स, और ये कार्बन पे रहेगा प्लस चार्ज। अभी यहाँ पे क्या बना, तुम्हारे लिविंग ग्रुप बाहर निकला, सी एल माइनस बाहर निकला। अब सी एल माइनस को कौन सराउंड करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि वाटर है, ये इसको सराउंड करेगा। देखो ऐसे यहाँ पे भी वाटर होगा एच ओ एच, वैसे यहाँ पे भी वाटर होगा एच ओ एच, ऐसे यहाँ पे भी वाटर होगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्लोरीन को सराउंड करेंगे। तो होगा क्या, ये जो एच पे है पार्शियली प्लस, इस पे भी है पार्शियल 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 प्लस, एंड इस पे भी है पार्शियल प्लस। सिमिलरली ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, एंड ऑक्सीजन पे माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस है ना, ये क्लोरीन को ऐसे घेर लेता है, ऐसे सराउंड कर लेता है, ये क्लोरीन को ऐसे सराउंड कर लेता है, ठीक है? तो अब ये मत बोलना सर क्लोरीन की तो वैलेंसी एक होती है, तो पांच पांच छह छह वैलेंसी बॉन्ड कैसे बनाना, मैंने ये नहीं बोला कि बॉन्ड बनाना, मैंने बस ये बोला कि इसको अट्रैक्ट करके रखता है, क्लोरीन को ट्रैप कर लेता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है साथ ही साथ, कि ये जो प्लस है कार्बोकटायन बना, उसको थोड़ा सा कौन स्टेबिलाइज कर रहा है, जो तुम्हारे सॉल्वेंट का डेल्टा माइनस है वो उसको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से स्टेबिलाइज कर रहा है, जो यहाँ पे कार्बोकटायन बना है, ठीक है? तो पोलर प्रोटिक्स और पोलर पोलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पोलर होगा तभी ये तुम्हारा डेल्टा माइनस इसको थोड़ा सा स्टेबिलाइज कर पाएगा। और प्रोटिक होना क्यों जरूरी है, प्रोटिक होना इसके लिए जरूरी है कि ये सी एल माइनस यहाँ पे आएगा तो ये इसको क्या करेगा, ट्रैप कर देगा। अगर ये ट्रैप नहीं कर पाया, सी एल माइनस को ट्रैप नहीं कर पाया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो कार्बोकटायन बना है प्लस और क्लोरीन इसके सराउंडिंग में ही घूमता रहे, तो इसको जो क्लोरीन अगर इसके सराउंडिंग में रहेगा, तो जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ओ एच माइनस, तो हो सकता है क्लोरीन माइनस ओ एच माइनस को थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करे, रिपल्शन प्रोवाइड करे, ये सब कुछ कर सकता है सी एल माइनस, अगर ये यहाँ पे इसके सराउंडिंग में रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक यूज करते हैं। प्रोटिक यूज करने से बेनिफिट क्या हो जाता है कि क्लोरीन माइनस ट्रैप हो जाता है ये सॉल्वेंट के बीच में, और यहाँ पे ओ एच माइनस के लिए जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए रास्ता क्लियर हो जाता है कि वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है या तो बैक अटैक भी कर सकता है, दोनों ही अटैक उसके लिए पॉसिबल होते हैं। समझ में आ गया पोलर प्रोटिक यूज करने का नीड क्या है, क्लियर हो गया ये चीज? ओके अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो तुमको पता होना चाहिए कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कौन सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जैसे मैंने तुमको SN2 में भी बताया था, ठीक है? अभी SN1 का मैं दो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, SN1 का मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है दो वीडियोस की, SN2 में जरूरत थी, ठीक है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होगा, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहाँ पे तुम्हारा वही रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पे होगा तुम्हारा एनर्जी, जैसे वहाँ पे भी था एनर्जी, ओके? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना होता क्या है, सपोज कर लो ये है तुम्हारा रिएक्टेंट का एनर्जी। अब रिएक्टेंट का एनर्जी पहले स्टेप में यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, मतलब ये जो स्टेप आया तुम्हारा, ये स्टेप दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? ट्रांजिशन स्टेट से यहाँ पे बना ये तुम्हारा दूसरा पीक, और ये होता है ऐसा, एक सेकेंड, ये बनता है ग्राफ कुछ सेकेंड स्टेप में ऐसा, लाइक दिस। और ये जो लास्ट होता है तुम्हारा, ये होता है प्रोडक्ट का एनर्जी, दिस इज द प्रोडक्ट एनर्जी। अभी यहाँ पे तुमको दिख रहा है दो पीक बना है, दो पीक बने का मतलब क्या है, इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन स्टेट वन, एक होता है ट्रांजिशन स्टेट टू। याद रखना यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनता है, याद रखना किसी भी एक रिएक्शन में अगर एक स्टेप का रिएक्शन है तो एक ट्रांजिशन स्टेप, तो ये कौन से स्टेप का रिएक्शन है, दो स्टेप का, इसके लिए दो ट्रांजिशन स्टेप। तो ये हुआ ट्रांजिशन स्टेप वन, मतलब ट्रांजिशन स्टेप वन में क्या हुआ रहेगा, ट्रांजिशन स्टेप वन में कुछ ऐसा हुआ रहेगा, सी एच थ्री कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे है सी,
ये सी और ये जो तुम्हारा हेलोजन है सी एल, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये आएगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट वन में। फिर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये जो एनर्जी कम हुई, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा कार्बोकटायन का पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा कार्बोकटायन का पॉइंट। इसके बाद में वापिस से ट्रांजिशन स्टेट टू में कौन सा इन्वॉल्व रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट टू में रहेगा सी एच थ्री थ्राइस सी, और यहाँ पे बॉन्ड बनता रहेगा ओ एच के साथ। तो ये वाला जो स्टेप है ये रहेगा ट्रांजिशन स्टेट टू का, फिर यहाँ से एनर्जी डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वापस से एनर्जी का डिफरेंस आया, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि SN2 में भी था और SN1 में भी है। ये दोनों के दोनों कौन से है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का ही मतलब है कि ये लो टेम्परेचर पर रिएक्शन ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो एलिमिनेशन के चांसेस हो जाएंगे, तो लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ली जाटीला प्रिंसिपल, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे तुमको दो टाइप के एक्टिवेशन एनर्जी देखने मिलेगा। पहली एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी जो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में रहेगी, इसको बोलते हैं EA1, मतलब फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी जो रहेगी रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट वन के बीच में। दूसरी जो दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कहाँ रहेगी, अब ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए रिएक्टेंट कौन है, कार्बोकटायन रिएक्टेंट है, तो ये सिर्फ इतनी एनर्जी रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी टू, EA2 बोलते हैं इसको, सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो दो एक्टिवेशन एनर्जी देखने मिलती है, मतलब भी दो पिक देखने मिलते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो एनर्जी है वो स्लाइटली लेस होनी चाहिए इसकी, तो ग्राफ बनाते टाइम इतना सा ध्यान में रखना, इतना सा केयरफुली ड्रॉ करना कि इसका पिक बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इसका, स्लाइटली डिफरेंस देख के समझ में आना चाहिए कि ये थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा छोटा है। क्लियर हुआ, तो ये चीज़ समझ में आ गई। और इसको तो बोलते हैं एंथैल्पी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी मैंने बता दिया SN1 रिएक्शन का, मैंने तुमको उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी बता दी विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड लिविंग ग्रुप की। रिएक्टिविटी भी सेम रहेगा, पहले आयोडीन निकलेगा फिर क्लोरीन, सॉरी पहले आयोडीन फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला फंडा याद रखना, कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने SN2 में नहीं बताया था बट अभी बता दे रहा हूँ, सुन लेना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम्हारा जो कार्बोकटा तुम्हारा जो कार्बन है जिस पे क्या लगा रहेगा, लिविंग ग्रुप लगा रहेगा। तुम्हारा जो कार्बन है जिस पे क्या लगा रहेगा, लिविंग ग्रुप लगा रहेगा। ये कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, अगर इन केस ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल तुमको पूछ लेता है कि जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और पूछा कि इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्या SN1 SN2, तुम्हारा आंसर है आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ग्राफ मिटा रहा हूँ। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, ये चीज़ को समझ। अगर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ लाइक दिस, CH3 सी सॉरी CH2 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और मैं बोलता हूँ इसका रिएक्शन करा दो NaOH के साथ कोई भी मीडियम में करा दो। सपोज कर लो मैं एसीटोन बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन ज़्यादा प्रिफरेबल होना चाहिए, तो एसीटोन लिख देते हैं, पोलर अप्रोटिक। अभी यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, मतलब ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो क्या इसका सबसे पहला चीज, इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या टेट्राहेड्रल होगा। सबसे पहला चीज, अगर इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं, तो ये बैक साइड और फ्रंट साइड की तो बात ही नहीं आएगी, बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक की तो बात ही नहीं आएगी जब तक ये कार्बन तुम्हारा टेट्राहेड्रल नहीं है। अगर ये कार्बन टेट्राहेड्रल नहीं है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल क्या है, 1 2 3, मतलब ये sp2, ये कार्बन ऑलरेडी प्लेनर है। अगर कार्बन ऑलरेडी प्लेनर है तो यहाँ पे तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, मतलब बैक साइड फ्रंट साइड अटैक बन ही नहीं सकता। इसके लिए बोला जाता है कि ये जो तुम्हारा कार्बन है जो लिविंग ग्रुप को अटैच होता है, वो कार्बन हमेशा sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3। फिर चाहे तुम लोग SN1 रिएक्शन की बात करो चाहे SN2 रिएक्शन की बात करो, दोनों के लिए ही ये चीज वैलिड है, कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। आई होप सो, अभी एक चीज एकदम क्लियर है। ओके, सो प्लीज कनेक्ट, अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिया रहेगा, हमेशा की तरह देखो एंड आंसर कमेंट करो। ओके, थैंक यू।